सॉल्व एक्स बाई थ्री माइनस वाई बाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू एंड एक्स बाई फाइव प्लस टू वाई बाई फिफ्टीन इक्वल टू वन। बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग आई शुड रिमूव द डिनोमिनेटर्स एंड हाउ डू वी रिमूव द डिनोमिनेटर्स? सी हियर, हियर द डिनोमिनेटर आर थ्री एंड टू टू, सो टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो वॉट डू यू गेट स्टार्टिंग विथ टू? सो थ्री, सो द एलसीएम इज सिक्स। सो नाउ टू गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर्स वी शुड मल्टीप्लाई विथ सिक्स टू ईच टर्म। वॉट आई मीन इज दिस, इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स। सो वॉट डू वी गेट? थ्री वन्स थ्री टूस, सो वी गेट टू एक्स माइनस टू वन्स टू थ्रीस थ्री वाई इक्वल टू टू वन्स टू थ्रीस, सो माइनस थ्री। थस डिनोमिनेटर्स आर रिमूव्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन। सो हियर ऑल्सो टू रिमूव द डिनोमिनेटर्स आई शुड टेक द एलसीएम ऑफ फाइव एंड फिफ्टीन। मैनी गेट द एलसीएम रॉन्ग, यू फॉलो द मेथड यू टू गेट प्रॉपर एलसीएम। सो स्टार्ट विथ फाइव थ्रीस, सो थ्री वन एंड वन, सो एलसीएम इज फिफ्टीन। मैनी वॉट दे डू इज दे जस्ट मल्टीप्लाई फाइव इंटू फिफ्टीन सेवेंटी फाइव एंड दे टेक एलसीएम टू बी सेवेंटी फाइव विच कॉम्प्लिकेट द सम। सो एलसीएम इज फिफ्टीन, सो नाउ टू रिमूव द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ फिफ्टीन टू ईच टर्म इन दिस वे, इंटू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन। सो हियर फाइव वन्स फाइव थ्रीस, सो थ्री एक्स, दिस कैंसल आउट प्लस टू वाई इक्वल टू वन इंटू फिफ्टीन इज फिफ्टीन। ओके, नाउ नाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस आई शुड मेक आइदर एक्स कोएफिशिएंट सेम और वाई कोएफिशिएंट सेम। सी हियर, हियर एक्स कोएफिशिएंट इज टू, हियर एक्स कोएफिशिएंट इज थ्री, हियर वाई कोएफिशिएंट इज थ्री, हियर वाई कोएफिशिएंट इज टू। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू मेक वाई कोएफिशिएंट सेम। टू मेक वाई कोएफिशिएंट सेम आई शुड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद this number 2 and this equation with this number 3. Okay, let us multiply. And how do we multiply means we should multiply this to each term. So 2x into 3 into 2 is 4x minus 3y into 2 is minus 6y equal to minus 3 into 2 is minus 6. Now here also multiply to each term. So 3x into 3 is 9x plus 6y equal to 15 into 3 is 45. Okay, now I have made y coefficient same only to cancel them out. So now you should decide by adding do they cancel out or by subtracting. Here it is minus 6 and here it is plus 6. So if I add, they cancel out. So let us add. So when I add, cancel this. Here 4x plus 9x is 13x. Minus 6 plus 45 is 39. So now to get x, I should remove 13. For that, divide by 13 on both sides. So I get x equal to 3. Okay, now. Now to get y, replace x equal to 3 in any one of the equations. Let us say I replace in this. So what do I get? 2 in place of x 3 minus 3y equal to minus 3. 6 minus 3y equal to minus 3. So now to get y, I should make y the subject. That means remove all the connections connected to y one by one. Starting with plus 6. To remove plus 6, subtract 6 on both sides.
So this cancel out, minus 3y equal to minus 9. So now to get y, I should remove minus 3. So divide by minus 3 on both sides. This cancel out, I get y equal to 3. Earlier I got x equal to 3. So this is our answer. Now, to confirm this answer, what you should do is replace this in the other equation, that is in this one. So 3 into x, so 3 into 3 is 9, plus 2 into y, 2 into 3, 6. 9 plus 6 is 15. On the other side also I have 15 present. I got these two numbers same. That confirms the answer is correct. Am I clear?